हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो ये देखिए, आज हम जा रहे हैं कुछ चीज़ जो हमारे घर में प्लास्टिक बोतल और बॉक्स पड़े रहते हैं उनका यूज़ करेंगे। इस तरह से ये 8 आइडिया हमने दिए हैं, इनमें आपको जो पसंद आए वो उसमें कमेंट करिएगा। जन सवाल आइडिया आपको पसंद आया हो उस पर कमेंट ज़रूर करिएगा, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। तो ये देखिए, इस तरह से ये सॉस की बोतल थी, इसको हमने इस तरह से कट कर लिया है यहाँ पे मार करके। इस पर हमें कर देना है एक होल, तो ये हमारे बाथरूम ऑर्गेनाइज़र बन जाएंगे। और आप चाहें तो इनको टेबल में भी रख सकते हैं, बच्चों की इतना बच्चों का छोटे बच्चों का इतना सारा स्टेशनरी का सामान होता है कि वो इसमें अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा कलर कर देंगे तो ये थोड़े ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने लगेंगे। इस तरह से थोड़ा सा हम इनमें पॉइंट पॉइंट रख देंगे, और ये देखिए क्यूट से हमारे ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी हो चुके हैं। आप इनको बाथरूम में ब्रश वगैरह पेस्ट वगैरह रखने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आते हैं हम अपने आइडिया नंबर 2 पे। तो ये देखिए, एक थर्माकोल सीट थी, जो शर्ट पैंट का कपड़ा आता है उसी में शर्ट में ये था, और ये मेरे पास टीन का डिब्बा पड़ा था, तो उसका उस पर आज हम ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे। तो इस तरह से उसका बॉक्स के बराबर हमें इसको कट कर लेना है और इसे बॉक्स के अंदर फिट कर देंगे। फिट करने के बाद हमें लेनी है, अगर आपके पास टूथपिक है तो टूथपिक यूज कर लीजिए, नहीं तो जो बांस वाली झाड़ू होती है उसकी हम पीछे से ये लकड़ियाँ छोटी छोटी से टुकड़े निकाल लेंगे और इसमें इस तरह से लगा देंगे। और इसमें ये ढेर सारी रील्स हमारे पास रहती हैं, तो इस तरह से हम इनको इस तरह ऑर्गेनाइज़ कर देंगे, तो ये सारी एक में ही सेट हो जाएंगी। और आप जाएँ तो इसमें पेन की जो रिफिल होती है उसका भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, उसमें इसमें डाल देंगे और रील को भी इसमें डाल देंगे। तो ये देखिए, इस तरह से सारी रील्स इसमें आ जाएंगी और ये निकलेंगी भी नहीं आसानी से हमें, और एक साथ मिल जाएंगी। हम कहीं इस बॉक्स में रख देते हैं, कहीं दूसरे बॉक्स में, तो इस तरह से ये बन जाएंगी। अब इस आइडिया नंबर 3 आता है। तो जैसे कि हम लोग सिलाई करते हैं, तो ये किसी बटन शर्ट की बटन या किसी की अलग अलग पड़ी रहती हैं, तो इस तरह से हम सेफ्टी पिन लेंगे और उसमें सिक्योर करके सारी रख देंगे, तो हमें आसानी से ये मिल जाएंगी और बॉक्स में इधर उधर भटकती हुई नहीं फिरेंगी। जैसे हम रील वाले बॉक्स में रख देंगे तो वो क्या होती है, एक ही में मिक्स हो जाती हैं। तो इस तरह से हम इनको रख देंगे। और ये जो बच्चों की रील वगैरह आती हैं, पेंसिल की जो लिड होती है वो, तो इस तरह का बॉक्स खाली होता है, तो हम उसमें सारी अपनी सुइयों को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं, एक साथ हमें मिल जाएंगी। तो ये देखिए, हमारी एसी डिब्बी में सारी आ गई हैं। और हम इतने रील वाले जो हमने बॉक्स बनाया था उस पर हम, अगर चाहें तो हम एक इसी थर्माकोल का पीस काट के इधर से एक पार्ट और डिवाइड कर देंगे, और ये हमने देखिए सारे एक में ही रख दिया है। अब आते हैं आइडिया नंबर 5 पे। ये एक बॉटल थी, गोल्डन बॉटल, तो हम इसमें इसको इस तरह से कट कर लेंगे और टू स्टिक के जैसे इसमें निकाल लेनी है, और इसको कर देना है हमें कट। ये वेस्ट ही पड़ी रहती है, इनका हम छोटा छोटा ऑर्गेनाइज़र बना लेंगे, तो ये बच्चों के बहुत काम आती हैं और अपने लिए भी बहुत यूज़फुल रहती हैं। तो इस तरह से हम इसको कट कर लेंगे। आप भी इन ऐसी छोटी छोटी चीज़ों का यूज़ करके घर को अपने ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इतनी महंगाई बढ़ गई है कि कोई भी चीज़ ऑर्गेनाइज़र लेने जाओ तो वो कम दाम में तो खैर मिलता ही नहीं है। अब ये देखिए, मैंने स्टेपलर लगाया था इसमें, लेकिन ये स्टेपलर सही से लग नहीं रहा था, तो इसमें मैंने लगा दिया डबल साइडेड टेप, तो उसको इस तरह से हम चिपका देंगे और ये ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी हो गया है। तो ये देखिए, आप कोई भी चीज़ इस पर रख सकते हैं, ये इतने क्यूट क्यूट से ऑर्गेनाइज़र। इसमें हम छोटा सा प्लांट भी लगा सकते हैं, मनी प्लांट वगैरह। अभी आते हैं अपने आइडिया नंबर नेक्स्ट पे। तो इसी तरह की हमने 2 बॉटल ले ली हैं, 3 बॉटल, और उनको एक साइज़ में कट कर लेंगे, केवल राउंड शेप में इसको कट कर लिया है।
ये देखिए कट हो गई हैं। कट करने के बाद अब हमें क्या करना है, इस पर अगर पेपर आपके पास रखा है तो पेपर इस पर चिपका सकते हैं, नहीं तो हम इनको ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। इनमें हमें कर देना है दोनों साइड पे खोल करके होल, पेचकस को गर्म करना है और उससे होल आसानी से हो जाएगा। इस तरह से ये देखिए हमने इनमें पेस्ट कर दिया है, राउंड में पेस्ट करेंगे। छोटे छोटे से देखिए हमारे बॉक्स बन गए कर रेडी हो गए हैं। अब हमें लेना है एक हैंगर, और जो यहाँ से हमने ऊपर से ओपन कर लिया है और वो जो हमने होल किए थे उस पर उन्हें इस तरह से डाल लेना है। ये हमारा बहुत ही अच्छा सा क्यूट सा ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी होगा। ये देखिए ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी हो गया है। ये देखिए वेटिंग रखा था इसमें स्टेशनरी का सामान अपना, और इसको हैंग कर लीजिए कहीं भी। देखिए इसमें हमने कॉम्ब वगैरह कॉस्मेटिक का सामान भी इसमें डाल दिया है, किसी भी चीज़ में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये कितने क्यूट से ऑर्गेनाइज़र बन गए हैं। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट आइडिया पे। इसी का जो हमने बॉटल का ऊपर वाला पार्ट बच गया था उसका भी हमने यूज़ कर लिया है। इस तरह से देखिए एक ही में इनको सेट कर दिया है और ये हमारा बहुत अच्छा सा बॉक्स बनकर रेडी हो गया है। इसमें हमने अपना सिलाई का सामान जो भी है वो हम इसमें रख लेंगे और उसको इस तरह से बंद कर देंगे। तो ये देखिए सारा सामान हमें दिख भी रहा है और इस तरह से ये ओपन भी नहीं होगा और सारा सामान हमारे इसके अंदर आ गया है। तो ये आइडिया आपको कैसे लगे हैं प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आइडिया आता है, इसी कोल्ड ड्रिंक की बॉटल का ही है। इनको देखिए इस तरह से शेप देकर हमें कट कर लेना है। ये किचन के लिए ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी हो जाएंगे। कहीं भी आप कोई भी चीज़ रखने के लिए ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। इस तरह से अब हमें कर देने हैं इनको कट, और कट करने के बाद देखिएगा ये कितने क्यूट से ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी होंगे। तो इसी तरह से हम छोटे छोटे आइडिया लाते रहेंगे। प्लीज़ हमारे साथ वीडियो में बने रहिए, और अपने जो अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप शेयर कीजिए। तो ये देखिए इस तरह से हमें इनको कट कर देना है। कट करने के बाद ये देखिए कुछ इस तरह से ये हमारे ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी हुए हैं। अब चलते हैं हम अपने किचन की तरफ। किचन में देखिए इस तरह से बहुत सारी कटोरियां रखी रहती हैं, तो अब हम क्या करेंगे, इनमें अपनी सारी जो हमारी छोटी छोटी वाली कटोरियाँ हैं उनको इस तरह से रख देंगे तो ये हमारी बिखरी हुई नहीं लगेंगी, एक साथ ही सारी ऑर्गेनाइज हो जाएंगी। इसमें देखिए स्पून रख दिए हैं, स्पून है, और आप इसमें नाइफ़ वगैरह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।